सामने आ गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 222 हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर देखिए, एक साथ फिर से कोरोना के मामले गाजियाबाद में सामने आए। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। 24 घंटे में कोरोना के 56 नए केस मिल चुके हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 222 हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 13 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक, यहां पर 56 नए मामले यहां पर 24 घंटे में सामने आ गए। 222 पहुंच चुकी कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना संक्रमित 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। 24 घंटे में बड़ा आंकड़ा 56 मरीजों का सामने आया है। कोरोना संक्रमित 13 मरीज जो है उसमें से अस्पताल में भर्ती है। एक बार फिर से कोरोना के काफी संख्या में मामले जो है वो गाजियाबाद से सामने आए हैं, और जिसमें से 13 जो मरीज हैं वो अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं, बाकी होम आइसोलेट रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। तो 56 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। और लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, एक बार फिर से बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है गाजियाबाद में। 56 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। इन मामलों को देखते हुए क्या अभी वहां पर सतर्कता देख पा रहे हैं? जांच कैसे, इनसे जुड़े लोग जो हैं जिनके कांटेक्ट में आए होंगे सबको कैसे ट्रेस किया जा रहा है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तो लगातार चल रही है, लेकिन पिछले 4 दिनों में इनिशियल को थोड़ी तेजी से ये मामले बढ़े हैं, न केवल गाजियाबाद बल्कि नोएडा के भीतर भी ये मामले जो है वो तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी ये मामले बढ़े हैं, तो उसका एक इफेक्ट माना जा रहा है कि यहाँ भी इसी वजह से ये मामले बढ़े हैं। पिछले 4 दिनों के भीतर 150 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं। इस वक्त जिले में 222 कोरोना के एक्टिव केस हैं। जो टेस्टिंग है वो जो है वो बढ़ाई गई है, तकरीबन पर डे 3,500 से ज़्यादा सैंपल्स लिए जा रहे हैं टेस्ट के लिए, और इसी का नतीजा है कि संख्या है वो तेजी से बढ़ने शुरू हुई है। पिछले दिन हुई बरसात के बाद लोगों की बुखार को वायरल समझ रहे हैं, बेसिकली कई जगहों पर तो वो वायरल है, लेकिन जब उसकी जांच करा जा रही है तो कोरोना निकल रहा है। और दूसरी तरफ जो बूस्टर डोज को लेकर के अभियान चलाया गया है वो काफ़ी तेजी से चलाया जा रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज लगवाने के बाद ऐसे मामले जो कोरोना के संक्रमण के मामले होंगे वो काफ़ी कम होंगे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लगातार निगाह बनाए हुए है, जो लोग इसमें कॉन्टैक्ट के भीतर आए हुए हैं उनकी लगातार जांच की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि 13 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया, ये आंकड़ा पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 13 लोगों की भर्ती होने के हॉस्पिटलाइज होने के मामले में ये देखा जा रहा है कि उनकी हालत काफ़ी है। तो इन सभी जो है पहलुओं को ध्यान में रखकर हेल्थ डिपार्टमेंट फिलहाल तेजी से जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है, और ये भी माना जाए कि आने वाले समय में जिस तरीके के त्यौहार हैं, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसके अलावा जो है वो जन्माष्टमी का त्यौहार है, जन्माष्टमी के अलावा रक्षाबंधन है, तो इन समय पर ये माना जा रहा है कि लोगों को साफ तौर पर सलाह दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल में ढिलाई ना बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसके बाद भी एक हफ्ते बाद देखने को काफी तेजी से मिल सकती है। ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल। और आगे बढ़ते एटा की खबर है, जहां पर 3 दिन पूर्व